हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। कैसे हो बच्चों? हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं और ये आज पांचवा लेक्चर है। आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच पार्ट 1 टू पार्ट 4 बिफोर वॉचिंग पार्ट 5। आज ये पांचवे लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं पिछले लेक्चर में जो हमने बात किया था, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी। आज उससे आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि ओम्स लॉ की बात किया था। पहली बात करेंगे कि ओम्स लॉ क्या है, तो वो तो हो चुकी है। अब ओमिक एंड नॉन ओमिक दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी वी और आई का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ करंट उसी के रिस्पेक्ट में और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता रहता है। दूसरा जो कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता, या तो कम बढ़ता है या ज्यादा बढ़ता है, वो एक ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। तो दो तरह के कंडक्टर होते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। इसको ग्राफ के जरिए समझेंगे कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कलर कोडिंग के बारे में, कलर कोडिंग क्या होता है और तरह तरह के रजिस्टर्स का कोडिंग कैसे की जाती है और उसकी वैल्यू को कैसे हम डिपेंड और फाइंड करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बात करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर, और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या कंडक्टर, क्या है कंडक्टर, कंडक्टर है ना। ओमिक द कंडक्टर व्हिच ओबे ओम्स लॉ कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, कंडक्टर फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर है ना, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये सब ओमिक कंडक्टर है। यानी ओम्स लॉ का जो बेसिक का थ्योरी है ओम्स लॉ का, कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये फॉलो करता है। यानी अगर इनका ग्राफ प्लॉट किया जाए, ये वोल्टेज अगर इधर बढ़ रहा है और करंट इधर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, यानी ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, बिल्कुल ही चाहे जो भी हो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये है वोल्टेज और करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ, छोटा सा बना देते, थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये है V is directly proportional to I, that is a straight line. ग्राफ जो होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा, जीरो है तो जीरो है और जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा है नॉन ओमिक कंडक्टर। तो नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होगा, है ना, नॉन ओमिक कंडक्टर, कंडक्टर ठीक है, ये क्या होता है, द कंडक्टर विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल डायोड, डायोड जो होता है आप देखे होंगे जहां तक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगा होता है छोटा छोटा डायोड, ये जो है, या वाटर वोल्टामीटर, वाटर वोल्टामीटर मीटर, ये सब जो है नॉन ओमिक कंडक्टर। इसमें क्या होगा कि करंट और ये ग्राफ जो होगा वो ऐसे हो सकता है या कोई ऐसे वेरिएबल होंगे। तो कई बार ऐसे भी होता है, जैसे वाटर वोल्टामीटर के लिए जब हम वोल्टेज इधर बढ़ाते जाते हैं तो थोड़े से वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बिल्कुल ही जीरो ही रहता है, और जैसे जैसे हम फिर आगे बढ़ाते हैं तो ये थोड़ा बढ़ता जाता है, लेकिन ये भी स्ट्रीट लाइन नहीं होकर के एक कर्व की तरह होता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, यहाँ वोल्टेज जो है इधर करंट है, तो करंट का मैग्नीट्यूड जो है
वो बढ़ रहा है लेकिन नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर कहे जाते हैं, जैसे डायोड है और वाटर वोल्टामीटर है। ये सब जो है ये वाटर वोल्टामीटर के लिए है, वोल्टमीटर के लिए, और ये है डायोड के लिए। तो इस तरीके से नॉन ओमिक और ओमिक दो तरह के कंडक्टर होते हैं। आपको समझ में आ गई बात? इसमें जो ओमिक कंडक्टर है उसमें करंट की वैल्यू यूनिक होगी हर एक पॉइंट पे। अगर ये ओमिक कंडक्टर की बात करें और ये कहें कि ये है, तो ये वोल्टेज के लिए, हर एक वोल्टेज के लिए करंट का मैग्नीट्यूड जो है यूनिट है। जैसे इस वोल्टेज के लिए आप देखना चाहें कि क्या है, तो ये इस वोल्टेज के लिए ये करंट है, वोल्टेज है, और इसके कोरिस्पोंडिंग ये करंट आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर नॉन ओमिक कंडक्टर की बात करें तो जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। नॉन ओमिक कंडक्टर में और में नॉट यूनिट, मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर एक वोल्टेज की बात करें तो कई सारे करंट हो सकते हैं, या एक करंट की बात करें तो कई सारे वोल्टेज हो सकते हैं। तो इसमें जो है ये करंट और ये करिलेशन जो है वो यूनिक नहीं होता। प्रत्येक करंट के लिए वोल्टेज यूनिक नहीं है, मे बी ये वेरिएबिलिटी की वजह से अलग अलग वोल्टेज पे अमाउंट ऑफ करंट सेम हो सकता है। जैसे यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे सेम हो सकता है दोनों के लिए। यहाँ पे हर एक वोल्टेज के लिए करंट सेम होगा। इसका ग्राफ जो होता है वो आई वी ग्राफ, वी आई ग्राफ जो होता है वो लीनियर होता है, कि स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ वी आई ग्राफ जो है नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर। तो इस तरीके से ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में आप पता कर सकते हैं, और ये इनमें डिफरेंस है। इसके बाद अब अगले टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं कि कार्बन रेजिस्टर। दो तरह के रेजिस्टर होते हैं, एक तो वायर वाली रेजिस्टर होती है, दूसरा होती है कार्बन रेजिस्टर जिसमें कोडिंग की जाती है। आप लैब में देखे होंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, उसके अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे, वो एक अलग तरह का रेजिस्टेंस होता है, और एक कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं जो अलग तरह के होते हैं, इस तरह के इसमें बने होते हैं, और ये अलग अलग कलर कोडिंग इसमें होती है। जैसे ये है तो इसमें ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हो सकता है कि अलग कलर हो, यहाँ पे एक कलर बैंड, यहाँ पे एक अलग कलर बैंड होगा। इस तरीके से अलग अलग कलर के बैंड हो सकते हैं इसमें। यहाँ पे एक बैंड अलग है, इसमें इस कलर का बैंड यहाँ पे अलग होगा, इसी तरह से एक बैंड और हो सकता है, तीन बैंड हो सकते हैं, एक बैंड इधर भी होगा जो चौथा बैंड कहलाएगा। तो एक कार्बन रेजिस्टर में कई सारे बैंड बने होते हैं, कार्बन रेजिस्टर्स, और इनकी कलर कोडिंग क्या होती है? तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, ये रेजिस्टर्स, ठीक है, इनकी कितना रेजिस्टेंस है ये मेजर करने के लिए इसमें कलर कोडिंग की। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो दो बैंड हैं, एक शुरू के बैंड और एक ये जो दो बैंड हैं, ये पहले जो दो बैंड होते हैं ये दो सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो बैंड होता है वो होता है, ये जो बैंड होता है ये डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बैंड होता है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि टॉलरेंस कितनी, ठीक है ना, टॉलरेंस कितनी। तो द फर्स्ट टू बैंड, पहला लिख सकते हैं, द फर्स्ट टू बैंड ऑफ कार्बन रेजिस्टर रेजिस्टर रिप्रेजेंट फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। द थर्ड कलर बैंड, थर्ड कलर बैंड रिप्रेजेंट डेसिमल मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर
that is number of zeros which will come after two significant figure, two significant figure, ठीक है, ये होगा। अब चौथा जो कलर बैंड है वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, टॉलरेंस। द फोर्थ बैंड विल रिप्रेजेंट टॉलरेंस लिमिट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टॉलरेंस लिमिट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, ये टॉलरेंस लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी एक्यूरेसी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी। तो हर एक बैंड कुछ कहता है, उसकी कुछ वैल्यू होगी, हर एक बैंड कुछ ना कुछ कहता है, तो इसलिए आपको उस बैंड की वैल्यू जाननी होगी। अब ये याद करना थोड़ा मुश्किल है कि उसकी कलर की बैंड की वैल्यू कितनी होगी, तो सबके लिए एक नंबर अलॉट है, उस नंबर के हिसाब से हम उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये है। इसको याद करने के लिए है तरीका कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये याद रखना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बी फॉर ब्लैक, ये बी फॉर ब्राउन है ना, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज कलर बैंड के लिए, ये वाई फॉर येलो, येलो कलर बैंड के लिए, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन कलर बैंड है, तो बी फॉर ब्लू और वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे और डब्ल्यू फॉर व्हाइट, ठीक है। इसी तरह से टॉलरेंस के लिए टॉलरेंस के लिए सिल्वर के लिए, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 5%, गोल्ड के लिए प्लस माइनस 10% और नो कलर के लिए, नो कलर के लिए प्लस माइनस 20% होती है। अलदा इसमें भी और छोटे छोटे हैं, जैसे ग्रे के लिए 2.5% होती है, लेकिन वो सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना से काम चल जाएगा। तो जैसा कि हमने ऊपर एक कलर बैंड किया था और इसी के एग्जाम्पल को देखते हैं कि हमने कितने रेजिस्टेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो अगर ये कहें कि ये है येलो, ग्रीन, व्हाइट और सिल्वर, मान लेते हैं गोल्ड, येलो, ग्रीन, व्हाइट एंड गोल्ड, तो येलो कितना नंबर है, येलो, ग्रीन, येलो कितना है, आप देखिए येलो है येलो, ग्रीन, येलो, ग्रीन, व्हाइट ये था और गोल्ड है ना, ये था जो हमारा था। तो येलो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, येलो है, देखिए येलो है 4, तो येलो का मतलब हुआ 4, ग्रीन का मतलब है 5, 4 5 हो गया, व्हाइट का मतलब है 10 to the power, कितने जीरो आएंगे, तो व्हाइट है हमारा कितना 9, 10 to the power 9, यानी 9 जीरो आएंगे, तो उसको 10 to the power 9 भी लिख सकते हैं, और गोल्ड का मतलब प्लस माइनस 10%। तो इस रेजिस्टेंस क्या जो ऊपर दिखाया गया था उसकी वैल्यू हो गई 45 × 10⁻⁹ प्लस माइनस 10% एक्यूरेसी के साथ, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई है ना, आपको समझ में आ गया। सबसे पहला कलर पहला सिग्निफिकेंट फिगर है ना, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरा जो है वो दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर है, तो दो पहले दो कलर
जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर वन, सिग्निफिकेंट फिगर टू। ये जो है वो डेसिमल मल्टीप्लायर है, यानी कितने जीरो आएंगे, यानी 10 to the power कितना होगा। तो व्हाइट है इसलिए व्हाइट में 10 to the power 9, अगर ये 8 होता तो 10 to the power 8, अगर जीरो होता तो 10 to the power 0, दैट इज 1। यही अगर येलो, ग्रीन और ब्लैक होता तो हम कहते हैं कि 10 to the power 0 यानी 145 ओम ±10% एक्यूरेसी के साथ ये होता, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कि पहला कलर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, तब क्या होगा, रेड ग्रीन ब्लू और सिल्वर है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, रेड ग्रीन ब्लू और सिल्वर, तब क्या होगा, रेड ग्रीन ब्लू सिल्वर। तो बी बी रॉय, देखिए बी जीरो है, बी रॉय, रॉय थर्ड सेकंड हो गया, तो आर सेकंड हो गया, पहला बी ब्लैक जीरो, बी रॉय, आर जो है वो सेकंड हो गया, तो ये हो गया टू, टू हो गया, आर ओ वाई बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो जी आ गया ग्रीन के लिए, यानी जी हो गया 5, तो ये हो गया 45। अब ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, है ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ब्लू किसका है, ब्लू है 6, तो ये हो गया 10 to the power 6 प्लस माइनस, सिल्वर का मतलब 5%, तो ये हो गया 25 × 10 to the power 6 प्लस माइनस 5, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से कलर देख करके हम किसी भी कार्बन रेजिस्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, है ना। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले समझते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है। कई बार होता है इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि उनके समतुल्य, उनके बराबर, उनके जैसा, एक ही है जो कईयों के बराबर है। जैसे आप बाजार में सब्जी खरीदने गए हैं और 2 किलो 2 किलो और 1 किलो का मान लीजिए कि वेट चढ़ाया है दुकानदार, तो इस कितना हो गया 5 किलो, तो ये 2 किलो 2 किलो और 1 किलो मिल करके 5 किलो के बराबर है, यानी इक्विवेलेंट टू 5 kg। आपने कहा मुझे 5 kg खरीदना है, उसने 2 kg 2 kg और 1 kg चढ़ा दिया। आपने कहा 5 किलो क्यों नहीं चढ़ाया, तो उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, ये तो इक्विवेलेंट ही है, ये तो बराबर ही है, 5 किलो के बराबर है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम तीन रेजिस्टेंस या ज्यादा रेजिस्टेंस, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस अगर हम जोड़ते हैं कि कनेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी तीन चार अगर 100-100 वाट के 5 बल्ब को हटा करके एक ही बल्ब 500 वाट के लगा दिए जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, है ना। ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बराबर 500 ओम के हटा करके एक 500 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो इक्विवेलेंट हो गया। अब ये कैसे होता है और क्यों होता है, हमने यहाँ तो सीधे सीधे जोड़ दिया कि 100-100 का, लेकिन तरीके दो हैं। अब तरीका ये है कि हम हमेशा ऐसे नहीं जोड़ सकते कि 5 रेजिस्टेंस 100 ओम का है तो 500 हो गया, जरूरी नहीं है। ये तब होगा जब इसको सीरीज में जोड़ा जाए। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें ये बात आपने पहले भी पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, लेकिन हम दोबारा इसको बता देते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह के कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। बात करते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, ये किस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कहेंगे। दीपावली में आपने आपके घर में लाइट लग रही होगी और निश्चित रूप से आप
सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आप देख रहे होंगे कि आपके दीपावली जब होता है तो घरों में लड़ी लगती है, घर के बाहर सजाने के लिए लोग लड़ी लगाते हैं। लड़ी में क्या होता है कि एक बल्ब दूसरे बल्ब के साथ कनेक्ट होता है और पूरी की पूरी लड़ी में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं सीरीज। एक के साथ जब दूसरा कनेक्ट हो, चेन की तरह कनेक्ट हो जाए, एक बल्ब को दूसरे बल्ब के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, यानी सबको एक लाइन में एक के साथ दूसरे को, दूसरे के साथ तीसरे को अगर कनेक्ट किया जाए, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चलिए हम तीन ही रेजिस्टेंस लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। हमने तीन रेजिस्टेंस लिया, एक सर्किट ये है, ये प्लस ये माइनस और ये की लगा दिया ऐसा ऑन करने के लिए, ठीक है, और ये एक सर्किट पूरा हो गया। इसमें जब हम सर्किट पूरा करके की को जब हम प्रेस करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और करंट एक ही वायर है, ये वायर से करंट आई जाएगा, यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी आई और यहां से आई वापस भी आ जाएगी। तो करंट का मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द सर्किट विल रिमेन सेम। अगर इस पॉइंट को ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, इसको सी मान लिया जाए, इसको डी मान लिया जाए, तो रेजिस्टेंस के आधार पर ये इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट का मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रहा, लेकिन ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर करंट नहीं बदल रहा है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, ये रेजिस्टेंस आर वन है, ये रेजिस्टेंस आर टू है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो ऑब्वियस है कि अगर ये कांस्टेंट है, ये बदल रहा है, तो इसको बदलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हम मान लेते हैं कि वी वन है, वी वन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी टू है और सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी थ्री, ठीक है। अब करंट फ्लो हो रहा है, पूरे में रेजिस्टेंस कुछ भी हो, यहां पे ओम्स लॉ अगर फॉलो करे तो हम क्या लिख सकते हैं कि वी वन इज इक्वल टू आई आर वन, वी टू इज इक्वल टू आई आर टू एंड वी थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अब ये पोटेंशियल डिफरेंस वी वन वी टू वी थ्री ड्रॉप हो पूरे, अगर ए और बी के बीच में पूरा पोटेंशियल ड्रॉप वी हो, तो वी मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, है ना। ये पूरा पोटेंशियल ड्रॉप तीनों का मिला के अगर वी हो तो वी वन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहां पे करंट आई फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस वी वन है, रेजिस्टेंस आर वन है, तो वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर वन, वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर टू और वी थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर थ्री। इन तीन रेजिस्टेंस के बजाय एक ही रेजिस्टेंस अगर आर लगाया जाए, जिसको हम कहेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है, तो आर को कहेंगे आर वन आर टू आर थ्री के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इफ आर बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर वन आर टू एंड आर थ्री देन व्हाट विल हैपन, देन द करंट I and potential difference across two end of conductor has relation V is equal to IR. Now, from first, V is equal to V1 plus V2 plus V3. So, V is equal to IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. I common लिया जा सकता है
तो क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। I I क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये है कि हमने जो कहा था कि 100 ओम 100 ओम 100 ओम का 3 अगर जोड़ दे तो 300 हो जाएगा, 5 ओम जोड़ दे तो 500 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एक भी अगर इसमें से सर्किट कहीं पे भी, जैसे दिवाली में आपने देखा होगा कि लड़ी में से एक भी बल्ब अगर कहीं भी सर्किट में टूट जाए, खराब हो जाए, तो पूरी की पूरी लड़ी बेकार हो जाती है, वो जलता नहीं है, है ना। यहाँ पे कहीं पे भी सर्किट ब्रेक हो जाए तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, और फिर क्या होगा, करंट का फ्लो पूरा नहीं होगा, सर्किट पूरी नहीं होगी, तो फिर कोई भी बल्ब उसमें से ग्लो नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। नेट इंक्रीजेज इंक्रीजेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू टर्मिनल्स, ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन टू टर्मिनल्स, टर्मिनल्स है ना। एंड सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स आर सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस विच, है ना। तो इसका अर्थ हुआ कि ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है बी, यहां से एक रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि है R1, R1, एक रेजिस्टेंस यहां पे है जो कि है R2, और एक रेजिस्टेंस यहां पे हमने ले लिया जो है R3। सब यहां बी पे कनेक्ट है और ए पे कनेक्ट है, ये है R1, ये है R2, और ये मान लेते हैं R3। अब इस सर्किट पे जरा ध्यान दीजिए क्या होगा, इस दोनों ही टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो वी विल बी सेम फॉर ऑल द रेजिस्टेंस। यहां पे अगर हम बैटरी जोड़ दें और बैटरी से कनेक्ट करें, ये की लगा देते हैं, अगर हमने सर्किट को ऑन किया तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा, की को ऑन किया तो सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा, और ये पूरा सर्किट हो जाएगा, कर प्लस माइनस, यहां से करंट फ्लो होगा आई, और इस सर्किट में जाके यहाँ तीन रास्ते हैं, तो आप बताइए करंट तीनों में जाएगा किसी एक में जाएगा, ऑब्वियस है तीनों में जाएगा। जिसमें जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उसमें कम करंट फ्लो होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगी उसमें ज्यादा फ्लो करेगा। तो करंट यहां पे कुछ जाएगा I1, इधर भी कुछ करंट जाएगा I2, और इधर भी कुछ करंट जाएगा I3, और फिर I1 I2 I3 इधर से निकल के आके फिर क्या हो जाएंगे I। इसका मतलब ये हुआ कि I करंट डिवाइडेड इंटू थ्री पाथ, थ्री सेगमेंट, I1 I2 I3, ये हो गया। अब V तो सेम है सबके लिए, यहां पे अगर हम V इज इक्वल टू आई आर करें तो क्या होगा बताइए, V इज इक्वल टू आई आर, यानी I इज इक्वल टू V/R। सो बाई ओम्स लॉ वी कैन से I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू V/R1, एंड इसी तरह से क्या होगा I2 इज इक्वल टू V/R2, बोलो, एंड I3 इज इक्वल टू V/R3, है ना। तो I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 इज इक्वल टू V/R2, एंड I3 इज इक्वल टू V/R3। अब यहां पे हम मान लें कि इन दोनों ही तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाया जाए
जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखे तो हम उसको कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर वन आर टू और आर थ्री का. इफ आर बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफ आर बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर वन आर टू एंड आर थ्री, देन आई इज इक्वल टू वी बाई आर होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है. सो देयर फोर फ्रॉम फर्स्ट वी बाई आर इज इक्वल टू वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री, है ना. इसमें वी अगर कॉमन ले लिया जाए तो दोनों तरफ से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये हो गया वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, है ना. ये हो गया वी इंटू वन बाई आर, वी से वी कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया आपको, तब आपको मिल गया कि वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री. इसका मतलब हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ईच रेजिस्टेंस. ये R1 का रेसिप्रोकल, R2 का रेसिप्रोकल और R3 का रेसिप्रोकल. हम अगर ये कहें कि इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. तो LCM R1 R2 R3 हो जाएगा, यहाँ पे होगा R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाय व्हाट, R1 R2 R3. और इस तरह से अगर हम R निकालें तो ये आ जाएगा R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 R3 R1 R3 एंड R2 R1 R2. इस तरीके से निकलेगा तीन का, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. यानी अगर दो ही रेजिस्टेंस हो तो 1 by R is equal to क्या हो जाएगा, 1 by R1 plus 1 by R2. इसका मतलब 1 by R is equal to R1 plus R2 upon R1 R2, है ना. इसका मतलब R is equal to दोनों का product upon दोनों का sum. ये आप याद रख सकते हैं, आसानी से calculate हो जाएगा कि R निकलती है parallel में दोनों का product upon दोनों का sum R निकालने का. तो आप देखिए कि अगर मान लेते हैं कि एक 2 ओम का और एक 4 ओम का एग्जांपल लेते हैं, हमने सीरीज में अगर जोड़ दिया तो सीरीज में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में R1 plus R2, और R1 plus R2 होने से क्या हो जाएगा, 4 plus 2 यानी 6 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा. इसी बात को अगर हम ये कहें कि इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं, 2 ओम R1 है 2 ओम और R2 है 4 ओम, और इसको अगर हम पैरेलल में जोड़ दें तो R पैरेलल इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, यानी 6 2 पर 6, तो ये हो गया 1.33 ओम. तो पैरेलल में जोड़ने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 1.33 आ रहा है, जबकि सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आया था, 6 ओम. सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस बढ़ने से हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ सकता है और आग लगने का खतरा भी होता है, इसलिए सीरीज में ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट कम फ्लो होगा, तो डिवाइस जो है वो प्रॉपर सही ढंग से काम नहीं करेगा. तो कनेक्शन कैसी होनी चाहिए, कनेक्शन हमेशा ही पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर एक के लिए अलग अलग स्विच आप लगा सकते हैं, जैसा कि हमने ये देखा कॉम्बिनेशन में कि यहाँ से आपने लगाया, ये एक टर्मिनल है, यहाँ से आपका एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पे एक स्विच लगा दीजिए, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है, यहाँ पे आप एक स्विच लगा दीजिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है, यहाँ पे एक तीसरा स्विच लगा दीजिए, तो जिसको आप स्विच को ऑन करेंगे वही वाला रजिस्टर काम करेगा, वही वाला इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम करेगा और बाकी काम नहीं करेगा. तो घर में हर एक बल्ब के लिए इसीलिए अलग अलग स्विच होती है, एसी का स्विच अलग होता है,
फ्रिज का स्विच अलग होता है ताकि ये अलग अलग जिसकी जरूरत हो उसको ग्लो किया जाए, उसको ऑन किया जाए और जो काम नहीं करने वाला है उसको ऑफ किया जा रखा जा सके। अगर सीरीज में हम जोड़ देंगे तो एक ऑन करेंगे तो सारे घर के इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे, चलने एक ही साथ शुरू हो जाएंगे, और एक बंद करेंगे तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे जितने सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के फायदे और नुकसान क्या है। अब दीपावली में एक लड़ी में 200-300 बल्ब होंगे तो 200-300 स्विच तो लगा नहीं सकते ना, इसलिए वो चूंकि कम वोल्ट के कम वाट के होते हैं इसलिए उस समय इतना खर्च बर्दाश्त कर लेते हैं, सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं ताकि एक ग्लो करने से सारे के सारे ग्लो हो जाएं और सब जलने लग जाएं। लेकिन रोज जब काम आने वाली चीजें हैं जैसे घर में आपके ट्यूब है, पंखा है ना, एसी है, फ्रिज है, सबके लिए अलग अलग स्विच लगाई जाती है ताकि जिसकी जरूरत हो उसको ऑन रखा जा सके और जिसको जरूरत नहीं हो उसको ऑफ किया जा सके। तो डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में हम कुछ और आगे बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।